गालियां दी जा रही है, सपोर्ट का तो छोड़े, इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही है ना कि कोई गलत जो लड़कियां काम करती होंगी ना उनके साथ भी ऐसा नहीं होता होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं कैसे आ गया है, जितना आना था उतना आ गया है, और इस मिट्टी का पीछे और सब छुपा है। और देखिए चिल्लाना स्टार्ट कर रहा है सब, हरकत उन लोग का देखिए आप लोग, ये क्या क्या कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये कैसे खड़ा है, इंतजार कर रहा है सब कि अपने आएगी ये लोग वीडियो बनाने के लिए। पर देखिए फ्रेंड्स, देख लीजिए अपने आंखों से देख लीजिए। आप लोग बोलते हो ना कि एक आदमी ने किया था कमेंट इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ी बड़ी अक्षरों में, देख रहे हो, अंधे हो गए हो आप, दिखाई दे रहा है, लड़के पागल है कि अच्छे है, बताओ तो जरा हमको आके, घटिया इंसान कहीं के, कहीं तुम ही तो नहीं हो, तुम भी तो आते होगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भी आते होगे इसी में, तभी तो तुमको ज्यादा चिंता है। तुम बोल रहे हो कि लड़के पागल थे क्या जो तुमको गाली दे देंगे, जो ऐसा कर देंगे, झूठा इंजाम लगा रही हो। रे मम्मी, वो पापा कहाँ जाता रो, हो जाइबे जल्दी जल्दी, हट 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 हट, जो 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 मम्मी जो 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 वो तो भागल बाड़े सर। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मेरे पापा वहीं पर थे और वहीं से गाली ग्लौज और चिल्ला चिल्लाहट वो सब कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कैसे भागा वहीं से उतर के, आप लोग देख लीजिए कि कैसे भाग रहा है सब मेरे पापा के। चुटकी चलो तैयार हुआ जाए, मत रो, ऐसे रोने से थोड़ी होगा, वो लोग यही चाह रहा है कि तुम रो, वो उदास हो, यही लोकेशन थोड़ी है आखिरी कि यही शूट होगा, और भी लोकेशन है, दूसरे जगह चलेंगे। चुटकी इतनी बड़ी फैमिली है ना, ये लोग सपोर्ट करेंगे तुमको, फ्रेंड्स आप ही लोग समझाइए इसको, क्योंकि ये मानने से रही, हम कितना समझा रहे हैं कि हम लोग का लोकेशन थोड़ी है, वो लोग बोलेंगे, फिर भी क्या करे, ये भी परेशान हो गई, ये लोग परेशान करके इतना रख दिया है ना कि क्या करे, कुछ बता नहीं सकते। रोज रोज का यही है, रोज घर से निकलते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि हाँ जाएंगे, अच्छा से शूट होगा, आज तो अच्छा से शूट हो जाएगा, लेकिन रोज का उन लोग का यही नौटंकी, यही नाटक है। चिल्ला के भी हार लिए वो लोग, कमेंट करके भी हार गया, वो सब गाली गलौज करके भी हार गया, अब इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं रुके हम लोग तो, वो अब मालिक से सीधे कंप्लेन कर रहा है, जो चिमनी का मालिक है उनसे, कि इन लोग को आप वीडियो नहीं मत बनाने दीजिए, आप लोग इन लोग को मत आने दीजिए चिमनी पर, आप ही लोग बताइए कि हम लोग की गलती क्या है, हम लोग क्या किए हैं, आखिर भिराव डांस वीडियो पर ही क्यों है, ये तो इकलौता बना नहीं रही है, जिसके घर में देख लो, जिस किसी का भी देख लो, खुद वो लोग गाली गलौज कर रहा है, उन लोग का भी देख लो, वो लोग भी बना रहा है, खुद बना रही है, और फिर भी हम लोग इतना परेशान करके रख दिया है ना, इतना रुला के रख दिया है कि दिल से इतना बद्दुआ निकल रहा है ना, कि जिंदगी में वो लोग कभी भी ऐसे ही चिल्लाते ही रहेगा,
अब भगवान करे कि ऐसे ही चिल्लाते रहे, ऐसे ही घूमते रहे राक्षसों की तरह, कभी भी उसको बुद्धि ना हो, ज्ञान से कभी भी भेंट ना हो, इतना मंद बुद्धि हो ना कि कभी भी कोई अच्छा काम में उसका हाथ ना जाए, कभी भी बुरा ही करता रहे और बुरा उसका अंजाम मिले उसको। चुटकी बनी, मत रो मत रो, चुप हो जा चुप हो जा चुप। फ्रेंड्स अभी मम्मी भी नहीं आए, मेरे पापा अभी चले आए हैं आगे घर से, और मम्मी कल के घर पे गई है क्योंकि उनको वहां पे बहुत ज्यादा काम था, 3-4 दिन से हम लोग के पास ही थे। सिर्फ पापा आए हैं और मम्मी अभी आ रही होंगी पीछे से, पापा साइकिल से आए हैं इसीलिए जल्दी आ गए हैं। आप लोग मेरे पापा को देख सकते हैं, पापा पहले ही आ गए हैं और मम्मी अभी पीछे से पैदल आ रही है इसीलिए लेट हो गया है, और आते आते यही सब सुनने को मिला। बनी वो लोग यही चाह रहे ना कि तुम रो, तुम डांस वीडियो मत बनाओ, वो लोग जो रोक रहा है वही करो तुम, वो लोग चाह रहे कि तुम मेंटल डिस्टर्ब हो जाओ, तुम वीडियो मत बनाओ, यही सब चाह रहा है। चलो तैयार रखो, चलो चलो तैयार रखो, वो लोग ये चाह रहा है कि तुम वीडियो मत बनाओ, ठीक है यही लोकेशन आखिरी नहीं है, यहाँ नहीं आएंगे, जब मालिक ही मना कर रहे हैं तो हम लोग का हक ही नहीं बनता है यहाँ पर आना तब, क्योंकि हम लोग का थोड़ी है। अच्छा मालिक को वो लोग मना करा रहे हैं तो हम, वो लोग गलत कर रहा है ना कि किसी को पेट पे लात मार रहा है, इसको बनाने नहीं दे रहा है, वो लोग गलत कर रहा है, तो मालिक उन्हीं लोग का साइड देकर और हम लोग को मना करा रहे कि तुम लोग यहाँ पर शूट करने मत आओ, तो क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ शूट नहीं होगा, अपने खेत में शूट करेंगे। आराम से माइंड फ्रेश करके तुम तैयार होखो, जैसे बनाती हो वैसे खुशी खुशी बनाओ, ये आखिरी लोकेशन नहीं है, माता रानी ने चाहा तो अपना भी लोकेशन एक दिन होगा, तुम्हारा भी अपना डांस बैकग्राउंड होगा। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी भी आ गई, उनको आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा काम था, गोटिया फैमिली भी है और भी खाना बनाना था, वहाँ पर भी और ज़्यादा काम था, और मेरे पापा जी उधर बैठे हुए हैं और मैं छुटके यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली अब जाके शूट हुआ है, रो गा के कितना झेला है मैंने, देखो कितना तेज हवा चल रहा है इस समय, बता नहीं सकती, इधर से हवा उधर से हवा, और कितना तेज धूप निकल गया है। कितना टाइम हो रहा है मम्मी, मैं लाइव प्रूफ दिखा देती हूँ, मेरा ना बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। 11:07 हो रहा है, ठीक है, टाइम बताने का जो कारण है ना मैं बता देती हूँ, एक मिनट देख लीजिए टाइम, आप लोग दिख गया, ठीक है, तो 11 बज गया है। हम लोग कितने बजे गए हैं दीदी, सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटा यहाँ पे आए हो गया है, ठीक है, और 5 घंटा तो कभी शूट में लगता ही नहीं है मेरा, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना रोई हूँ आज, इतना रोई हूँ ना लाइफ में कभी इतना नहीं रोई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझ पे है और आप लोग हमेशा मेरा साथ दोगे। तो फ्रेंड्स शूट हुआ है, आप लोग सोच सकते हो कि इस सिचुएशन में कैसे इंसान शूट कर सकता है, क्या है, और आज भी वही हुआ जैसे कि उस दिन हुआ था, कमेंट किया उन लोगों ने तो कुछ लोगों ने पक्ष भी लिया, उन्हीं के गाँव के लोग, ठीक है, आज भी वही हुआ ना दीदी, पक्ष लिया गया, बोला गया आज कि एक औरत ने बोला कि एक उसमें से ना एक दो लड़का है सब, वो तो कभी गाली देता ही नहीं है, कमेंट करता ही नहीं है, वो तो बाहर गया था अभी, अभी तो 2-3 महीना पहले बाहर गया था, अभी अभी आया है,
मुझे एक बात बताओ, आप सभी से पूछना ये जरूरी है, अगर आपका नेचर गलत नहीं होगा, आप विदेश में जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, कमाने वाला इंसान तो कहीं भी जाता है, बहुत सारी जगह है, तो आप बाहर जाओगे और वहां से आओगे, अगर आपका गलत नेचर नहीं होगा तो आप किसी को भी गलत बोल दोगे? या घर पे ही रहते हो, बहुत सारे लोग घर पे भी काम करते हैं, अगर आपका नेचर सही होगा तो आप ऐसे ही बोल दोगे? अगर आपका नेचर अच्छा है तो अच्छा इंसान कैसे बोल सकता है? वो कहीं से भी आए, कितना भी गलत संगत में रहे, ऐसे ही बोल देगा? जब तक उसका नेचर गलत नहीं होगा, जब तक वो घटिया इंसान नहीं होगा, ऐसे ही किसी लड़की को बेवजह गाली दे देगा? और मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे पता है कि जितने भी यहाँ पे घटिया लोग आए थे, जितने भी लड़के आए थे, वो सारे के सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तभी ना आए थे दीदी? देखते हो तभी आए हो, ठीक है। तो मुझे बस इतना जानना है कि किसी भी एरिया में कोई लड़की काम करती है या लड़का, तो पूरे लोग सपोर्ट करते हैं। मैं सारे क्रिएटर्स को देखती हूँ, गाँव के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे गाँव के जो लोग हैं ना, मेरे एरिया के जो लोग हैं, वो हैवान है, राक्षस है। पूरे लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर पूरे लोग होते तो मैं शायद बना भी नहीं पाती। कुछ लोग हैं अच्छे, उनको दिल से थैंक यू, जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग खड़े होंगे पीछे से भी, और ऐसे भी मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद है, तभी ना हम लोग बना पा रहे हैं। दिल से, मतलब सच में मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ आप सभी को कम है, आप सभी हो तभी मैं यहाँ पे अपने एरिया में बना पा रही हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरे एरिया के लोग ही, मेरे समाज के लोग ही, मेरे गांव के लोग ही मुझे इतना रुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जब अपने जिला की, अपने गाँव की, अपने समाज की, अपने एरिया के कोई लड़की या लड़का कुछ अच्छा करता है ना, तो उसको सारे लोग सपोर्ट करते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतना रुलाया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है, सपोर्ट का तो छोड़े, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही है ना, कि कोई गलत जो लड़कियाँ काम करती होंगी ना, उनके साथ भी ऐसा नहीं होता होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, 5 घंटा हो गया अब तक ना कुछ खाया, सुबह में क्या, आदमी 6:30 बजे क्या खा के आएगा? पूजा करके हम लोग तुरंत थोड़ा थोड़ा खाए और सूट के लिए चले आए, लेकिन लोगों को लगता है कि ये मजाक है। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घर में, बहुत